कश्मीर घाटी में बादाम के पेड़ों पर हल्के सफेद और जामनी रंग के फूलों का खिलना बहार के मौसम के आगमन का संकेत है। बादाम बाड़ी में इसके फूलों की पंखुड़ियों का खुलना बताता है कि जल्द ठंडी वादियां पर्यटकों से गुलजार होंगी। इसको देखते हुए कश्मीर का पर्यटन विभाग भी विभिन्न बागों में जश्न बहार मनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो बीते 2 सालों के अंतराल के बाद जो है एक बार फिर जो है जिंदगी पटरी पर आ गई है और हजारों छुट्टियां मनाने वाले अब कश्मीर के सुंदर स्थानों में जो है छुट्टियां बिताने के लिए उत्सुक नजर आएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो कश्मीर की तो कश्मीर घाटी जो है वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और वहीं अगर हम बात करें बादाम बाड़ी की तो क्या कहने उसके। क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो माना जाता है कि कश्मीर में जब ये फूल खिलते हैं तो ये विशेष आकर्षण का केंद्र बनते हैं। 300 कनाल भूमि पर कोहिमारा पर्वत के नीचे स्थित बादाम बाड़ी में करीब 1000 से अधिक बादाम के पेड़ हैं, जिस पर बताया जा रहा है कि इस बार मौसम बहार जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा। इसीलिए विभाग इस वर्ष इस मौसम के जश्न को मनाने के लिए तैयार है और तैयारी लगातार की जा रही है। बादाम बाड़ी में तकरीबन जिस तरीके से बताया 1000 के करीब जो बादाम के पेड़ हैं और ये तकरीबन 280 कनाल में है। बादाम के अलावा बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल भी मौजूद हैं जो एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बादाम बाड़ी में एक अखाड़ा और बगीचे के एक तरफ निगिन झील का सुंदर नजारा देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं यही पर्यटकों को लुभाने का एक बड़ा काम करता है। लगातार अगर बात करें तो पर्यटन विभाग के अधिकारी जो हैं वो फूलों के विभिन्न शो जो हैं उनकी व्यवस्था करते हुए नजर आ रही हैं और कई बैठकों का संचालन जो है वो किया जा रहा है, ताकि इस बार जो है इस त्योहार को या कह सकते हैं कि इस खुशनुमा त्योहार को जो है बड़ी बखूबी तौर से मनाया जा सके। उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है कश्मीर का रुख करेंगे, क्योंकि बात करें तो बादाम बाड़ी सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही है, और अगर बात करें तो इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार कोशिशें जारी रखे हुए है। जी, मेरा ये फर्स्ट टाइम कश्मीर का है। माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत जगह है और अच्छा लगा। यहाँ से मैं बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ। अभी तो मैं 2 दिन और हूँ, और भी कुछ जगह हैं बाकी जहाँ पे मुझे घूमनी है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। इंडिया का सबसे अगर देखा जाए तो ये एक जन्नत है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो वक्त यहाँ पे भी गुजरा है माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गया है। जी, यहाँ पे माशाल्लाह ये आलमंड के पेड़ अभी तो मे बी नेक्स्ट मंथ तो ये और अच्छी तरीके से खुल जाएंगी, जहाँ तक मुझे मालूम चली है इनके बारे में। और अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, और मैं तो चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आते हैं एक बार इस जगह पे ज़रूर आएँ और यहाँ का खूबसूरत जगह एक बार देखें और अपने लोगों को भी बताएँ। बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है। गांधरबल से रईस शाह की रिपोर्ट।